आप उसको दिखाने जा रहे हैं कि काइट साहब की हिस्ट्री जहाँ पे सुट्टा लगाया करते थे काइट कैमरे मैन जरा जूम करके दिखाएं, ये आपको स्ट्रेस स्ट्रेस नज़र आ रही होगी। और ये भी खराब है, क्या नाम इसका? हुक्का। हुक्का मैं पीता नहीं, उसमें मुझे पता नहीं है इसका, आज फर्स्ट टाइम देखा है मैंने। कुछ ज़्यादा शरीफ नहीं बन गया। ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो है ना वो अटैचिंग है। ये आप देख सकते हैं खूबसूरत सा एक पड़ा हुआ है, ये डेकोरेशन पीस पड़ा हुआ है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। हमारे कायद मोहतरम जो थे वो पढ़ने वाले बच्चे थे, आप लोग इधर नहीं थे तो दिखाएँ उनकी किताबें, ज़रा मोटी मोटी किताबें दिखाएँ। कुरान में आप देख सकते हैं कुरान पाक में पढ़ा हुआ है। इसी के साथ साथ आगे आते हैं ये टिकट्स जो थे उस दौर के, उस दौर के ये आप देख सकते हैं। पोस्टल सिस्टम भी पड़ा हुआ पाकिस्तान का, इसी तरह बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं जो हम आपको चश्मे की बात जहाँ तक की जाए तो मैं भी कबीर सिंह बना हुआ आजकल, ये सब देख सकते हैं आप। तो हमारे गाइड मोहतरम भी कुछ कबीर सिंह की मानन थे, उनके चश्मे आपको दिखाते हैं, जूम कीजिएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, ये नज़र के चश्मे, सीरियस मत हो जाए। एक चश्मा इधर भी पड़ा हुआ है, इसको भी ज़रा जूम जूम करके दिखाइए, ये इधर ही पड़ा हुआ, गुड हो गया, चले आइए। ये मेरे उन दोस्तों के लिए जो एयरफोर्स साहब से मोहब्बत करते हैं, तो बहुत सारे दोस्त मेरे ऐसे हैं जिनका नाम मैं यहाँ पे मेंशन नहीं करना चाहूँगा क्योंकि ये वीडियो कहीं भी जा सकती है, वायरल हो सकती है। तो उनके लिए जो है ना वो पाकिस्तान एयरफोर्स के चंद तैयारे पड़े हैं, ये जेट्स पड़े हुए हैं दोस्तों। तो आई थिंक ये वो साइड मिज़ाइल प्रॉब्लम, ये असली मिज़ाइल नहीं है। आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ दिखाने वाला हूँ जिसे देख के आप लोगों को पता चलेगा कि आपके कायद कितने जो है ना वो सादा आदमी थे। दिखाई जरा इनका डाइनिंग टेबल वगैरह, जूम कीजिए। ये आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल, लेकिन यहाँ पे अंदर जो शीशे के अंदर ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये चीज़ें ख़राब नहीं होती है क्योंकि इन चीज़ों को जो है वो एक खास टेम्परेचर में रखा गया है जो कि मैं आप दिखा सकती हूँ। ये आप देख सकते हैं मशीन लगी हुई है, इस टाइम पे इसका जो टेम्परेचर है 23 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो खास टेम्परेचर पे रखा जाता है इसको, तभी ये चीज़ें जो ना ख़राब नहीं होती। तो अब हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जो स्पोर्ट्स से मोहब्बत करते हैं उनके लिए क्या हुई है, कौन सी चीज़ें रखी हुई थी, चले आइए। ग्लव खेला करते थे, ग्लव और ये बॉल्स भी पड़ी हुई नीचे आप देख सकते हैं, ये स्टिक्स है, ग्लव स्टिक्स, ये मोहतरम की। अब मैं उन लोगों के लिए कुछ स्पेशल चीज़ लेके आया जो बंदूक से प्यार करते हैं, आइए आइए जगह दीजिएगा मुझे, फिर अपने दोस्तों को दिखानी है गाइड के गन। ये आप देख सकते हैं एक एक गन दिखानी है क्योंकि मेरे दोस्त गन से बहुत प्यार करते हैं आजकल, शार्प शूटर बने हुए सारे, ये तलवार से लेके राइफल से लेके यहाँ पे चंद चीज़ें पड़ी हुई देख लिया भाईजान। हमारे गाइड सिर्फ शो शो नहीं किया करते थे, रात को सोया भी करते थे, हर कोई सोता है तो हमारे गाइड भी सोया करते थे। ज़रा दिखाता हूँ उनका बेडरूम को, बेड जहाँ पे वो सुन दिखाइए, वाह अमेजिंग। ड्रेसिंग रूम, हमारे कायद जो थे वो आम शख्सियत नहीं थी, उनकी बहुत बड़ी शख्सियत थी, दुनिया ने उनको बहुत ज़्यादा ही वापस नवाजा है, लेकिन उनके अवार्ड जो हैं वो यहाँ पे पड़े हैं, आपको दिखाएंगे कि कायद को कौन कौन से वार्ड में। सर
خود از مسئله دیل آسان گرده اب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں کہ قائد کی چند یادگار لمحات جو انہوں نے دیگر شخصیات کے ساتھ اسپینڈ کیا ہے, تو ذرا ان کی تصویریں دکھاتے ہیں ہم آپ.